अभी केदारनाथ से 2.5 किलोमीटर पहले, और ये देखो भी कम से कम 20 फुट की बोला है ग्लेशियर पूरा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोरीकुंड। लास्ट वीडियो में देखा था भाई, हम दिल्ली होते हुए ऋषिकेश होते हुए गोरीकुंड पहुंच गए थे, और गोरीकुंड में हमने कल कैंप करा था। ये पीछे कैंप साइट अब तो सारे उठ गए कैंप, कल भाई 20 प्लस कैंप लग गए थे लेट नाइट तक। और भाई पीछे ये गोरीकुंड है सारा मेन मार्केट है जो, और डोली निकल गई है, 8:18 हो गए हैं, 8 बजे निकलने थी, ढोल वगैरह बज रहे हैं। अभी हम भी अपना टेंट वगैरह पैक करते हैं और निकलते हैं श्री केदारनाथ धाम की तरफ, बाबा के करते हैं दर्शन होंगे कल, क्योंकि आज तो 5 तारीख और 6 को खुलेंगे कल का पार्ट, और पूरी जर्नी दिखाएंगे भाई, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। एक ड्रीम डेस्टिनेशन होती है हर किसी की, और आज पहुँच जाएंगे हम केदार घाटी में बाबा के चरणों में, और कल सुबह करेंगे बाबा के दर्शन, और रास्ते में भी डोली के दर्शन कर लेंगे। और ये अपने तेजा भाई, जय श्री केदार, जय श्री केदार भाई, तेलंगाना से हैं, तेलंगाना है ना, तेलंगाना हैदराबाद, हैदराबाद। अभी निकलते हैं बस अपना टेंट वगैरह पैक करके, लगेज बहुत ज़्यादा हो रखा है, अभी तो विंड शीट डाल रखा है, हवा वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि दिन में लगेगी धूप। तो मार लिया हम लोगों को, क्या तो मार लिया हम लोगों को रात में। हाँ, अंदर ना जैसे हुमस से हो गए, अंदर पानी सा हो गया था, बाकी तो नींद बड़ी आई, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बढ़िया रहा टेंट में, ठंड तो बिल्कुल भी लगी, बाकी ऊपर आज तो GMVM के गेस्ट हाउस हमने कर रखे, बाकी कल देखते हैं कैंप वगैरह का। अभी बस निकलते हैं यहाँ से फटाफट। ये भाई गौरी माता का मंदिर, और नीचे था गौरी कुंड। ये भाई गौरी माता का मंदिर है, और अभी दर्शन करना और फिर निकल जाए ट्रैक की तरफ। 9 से प्लस टाइम होगा, कम से कम 10-11 घंटे में लगने वाले हैं, कोई नहीं आराम आराम से पहुंच जाएंगे, लगेज भी है, सारी चीज़ है। धूप अभी तो होगी, कल बारिश होगी जी, बाकी बोला आपस प्रे करते हैं मौसम साफ रहे, परेशान ना हो हम रस्ते में कहीं पर भी। भीड़ चेक करो एक बार उधर, भीड़ चेक करो कितनी ज़्यादा हो रखी है, नीचे भी खच्चर। हाँ जन्नत सामने, वो ऊपर पता दिख नहीं रही हो तो ग्लेशियर दिख रहे ऊपर। अभी 1 ही किलोमीटर आए हैं, 15 किलोमीटर है, और जंगल चट्टी 3 किलोमीटर। अभी विंड चीटर भी उतार दिया, ऊपर से न्याणे हो गए स्टार्ट। ₹2500 गोरीकुंड से केदारनाथ तक का फेर है खचरों का, और बीच रास्ते का भी है वो कम कम है। हर हर महादेव, बादल आने स्टार्ट हल्के हल्के हो गया, बस प्रे करते बाबा से बारिश ना आए। अभी नींबू पानी पीने के लिए रुक गया, ऊपर 4 किलोमीटर बाद गेस्ट हाउस आता जी, हम गई कोई वहीं पे करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे, अभी 10 बज गए हैं, गर्मी हो रखी काफ़ी।
और रात को उतनी ही ठंड होगी, एक दो टेम्परेचर जाएगा। 1.5 किलोमीटर हो गया कवर और अभी रुके हैं, ड्रॉप्स ऑफ पानी पी रहे हैं, मिठाई नहीं अवेलेबल भी, नींबू पानी भी मीठा नहीं था ना। हाँ मीठा नहीं था। वो भी सामने दिख रहे बर्फ के पहाड़ और ठंडी हवा चल रही है, मौसम बादल हो गए हैं। हाँ साढ़े 13 किलोमीटर रह गया केदारनाथ टेम्पल, अभी तो कितने आए हम, 3.5 कैसे, 3.5 जंगल चट्टी 1.5 किलोमीटर आता है, लगे ज़्यादा है इसलिए थकावन हो रही है ना ज़्यादा। कितनी ऊपर से वाटरफॉल है, यहाँ से 13 किलोमीटर रहता है केदारनाथ, लोहे का ब्रिज, ये देखो बाबा कितने बूढ़े हैं उसके। जंगल चट्टी 1 किलोमीटर आ गया, 1 किलोमीटर बाद हमारा थक गए, थक गए, ले व्यू, इतना प्यारा व्यू है, थकावट हो रही है पर बाबा का नाम लेके चल रहे तो इतना फील नहीं हो रहा, रात को जब पहुँचेंगे जब तो अलग ही मजा आने वाला स्वर्ग में। चले चले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितनी ठंडी हवा चल रही है ना, मस्त, एक बार तो आना चाहिए केदारनाथ को। चट्टी पहुंच चुके हैं हम, कितने किलोमीटर आगे भैया, हम 3.5 किलोमीटर आगे, अभी यहाँ से 12.5 किलोमीटर हो रहा है, अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पराठे आलू के और भैया और खा रहे हैं चावल ले, एक और पराठा यहाँ और एक बड़ा भाई खाते हैं, आपकी तो आई नहीं अभी, प्लेट आएगी फिर खाना, ठीक है भैया भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और अपने भाई मिले भाई, सोनी पत्ता है आप भाई, आप भाई भैया बैठे थे भाई, है हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, पहचानी जावा भीमली, यहाँ से 5 किलोमीटर रहती है और काफ़ी आगे हम 10 किलोमीटर रह गया केदारनाथ, और यहाँ से देखो कितना ही बड़ा वाटरफॉल है, ये देखो कितनी हाइट से आ रहा है, बहुत गजब है, पीछे भी कच्ची लैंडस्लाइड हो रखी है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, फोटो वगैरह क्लिक कराते इधर।
भाई भीमबली पहुंच चुके हैं और टाइम कितना सर ढाई के करीब हो गया, दो बज गए हैं। हाँ। जब सवा दो नहीं हो रखे थे, ढाई बज गए हैं और बारिश दोबारा हो गई स्टार्ट यहाँ भीमबली में। कुछ नहीं पता भाई मौसम का, थोड़ी देर वेट करते हैं अगर बारिश का फिर निकलेंगे आगे। रेनकोट वगैरह है पर फिर भी स्लिपरी हो जाता सारा रास्ता क्योंकि अब सारा अपहिल है, मतलब जितना भी आया है उससे तो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। अभी तो कुछ भी नहीं है, देखो वहाँ से कैसे बिल्कुल वो यहाँ से होते हुए ऊपर जा रहे हैं लोग, वो ऊपर लिनचोली वहाँ पे गोप्रो में शायद विजिबल होना हो, वो लिनचोली है। उसके बाद भी छः पता नहीं 5.5 किलोमीटर और केदारनाथ आ जाता है। वो सामने भी ऊपर रामबाड़ा है, अभी भीमबली को क्रॉस करके दो रास्ते आते हैं, एक ये सामने आता है ये 1.5 किलोमीटर लंबा और ये वाला छोटा है, वो बहुत घूम घूम के जाएगा और इसमें ठीक है थोड़ी सी हाइट पे, ज़्यादा स्टीप है ये। बाकी चले जाएंगे आपसे, मौसम देखो शाम तक खुलेगा तो बाकी बारिश आएगी तो रुकते रुकते चलेंगे। रामबाड़ा 5 किलोमीटर ये भी सामने रामबाड़ा ब्रिज है और यहाँ पे गांव हुआ करता था जब 2013 में बाढ़ आई थी, उसके बाद प्रॉपरली सारा रास्ता ख़त्म हो गया ये देखो यहाँ से था पूरा, तो इसी कारण 3-4 किलोमीटर बढ़ गए हैं और अभी टाइम 3:30 हो चुके हैं और अभी भी 9 किलोमीटर है केदारनाथ, 9-10 बजेंगे आज। तो गर्मी लगती है जब चलते हैं, रुकते तो ठंड लगने लगती है। अभी वहाँ पर वो टॉप में ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो वहाँ से क्रॉस करके फिर बेस कैंप आएगा। ये भाई रूट की हमारी पहली बर्फ हमें मिली, ये तो बहुत मोटी चढ़ रहा है, हार्ड होगी ना, अभी ये जमीन मेल्ट होगी और फिर पानी फिर दोबारा फ्रीज हो जाता है। थोड़ी सी इधर ऊपर भी है और बहुत ही मस्त वाटरफॉल। आप तो कवर कर लिया हमने 8 किलोमीटर, अभी 8 किलोमीटर हो रहा है, 6.5 किलोमीटर है बेस कैंप जहाँ पे आज रुकना हमने, कल करेंगे कैंप, आज गेस्ट हाउस में रुकेंगे, टेंट ही उधर भी उधर ही है बस, अपना चार्जिंग वगैरह सारा सिस्टम हो जाएगा, पावर बैंक वगैरह कैमराज वगैरह। अभी केदारनाथ से 2.5 किलोमीटर पहले और ये देखो भी कम से कम 20 फुट की बोला है ग्लेशियर पूरा, अभी मेल्ट भी नहीं हुई है देखना, स्टिक भी नहीं जा रही, कम से कम 20 फुट यहाँ 20 है और वो थोड़ा सा डाउन में वहाँ पे है कम से कम 25-30 फुट। बहुत ही सेक्सी है लोकेशन, बहुत ज़्यादा ठंड होगी रात होते होते। अब पूरा